गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे आप सभी लोग जय हिंद सभी को कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर पढ़ रहे थे और इसका पहला क्लास हमारा हो चुका है आज हमारी सेकेंड क्लास है तो मैं आशीष कुशवाहा आप सभी को अपने दस साल के एक्सपीरियंस से साइंस पढ़ाने वाला हूँ जिसमें बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है और हमारा चैप्टर चल रहा है क्या ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम आज हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा स्केलेटन होता है जिसमें 206 हंड्रेड बोन्स होती हैं ह्यूमन के अंदर इनको दो पार्ट में बांट कर यहां पर स्टडी की जाती है दो पार्ट जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक्जियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन तो इसमें दो पार्ट में बांटते हैं जिसमें हम अगर बात करें तो एक्जियल स्केलेटन में स्कल आती है रिपकेज आता है वर्टिब्रेट म आता है तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में लेग्स की सारी बोन्स आती है लिम जिनको कहते हैं हाथ की सारी बोन्स आती हैं गर्डल्स आते हैं तो ये सारे डिटेल में आज हम पढ़ेंगे तो क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारी स्कल है इसके अंदर 29 बोन्स होती हैं और ये 29 बोन्स भी अलग अलग तरीके से बांटी जाती है क्रेनियल आर्ट फेशियल 14 इस तरीके से अलग अलग बांटी जाती है हमारा जो ये ईयर होता है जिसको आप इधर देख रहे हैं ये कार्टिलेज का बना होता है लेकिन ईयर कान के अंदर भी तीन तरीके की हड्डियां पाई जाती हैं जिसमें एक हड्डी होती है एक बोन होती है स्टेपेज जो कि ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी बोन होती है उसी तरीके से अगर मैं ह्यूमन थाई की बात करूं जिसको हिंदी में जांग कहते हैं तो इसमें एक हड्डी पाई जाती है फीमर ये ह्यूमन में सबसे बड़ी हड्डी होती है लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्राइंगल शेप में कौन सी बोन होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपसे पूछा जाएगा कि चेस्ट में फ्लैट बोन कौन सी होती है तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए तो इतनी सारी जानकारी इतनी सारी नॉलेज आपको आज की क्लास में मिलने वाली है तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले थ्री क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें यह आइडिया लगता है कि आज की इस क्लास के लिए स्टूडेंट कितना रेडी होकर आए हैं द नंबर ऑफ रिप्स इन द बॉडी इज आप लोगों को बताना है पहला ऑप्शन ए है 22 टू पेयर दूसरा है 14 पेयर थर्ड ऑप्शन है 12 पेयर और लास्ट ऑप्शन है 10 पेयर यानी ह्यूमन के अंदर जो रिप्स जिनको पसलियां कहते हैं उनकी हड्डियां कितनी होती हैं जोड़ों में पेयर्स में आप लोगों को बतानी है तो जितने स्टूडेंट इस इसका आंसर ट्वेल्व लगा, लगा, लगा रहे हैं यानी सी लगा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट तो जो रिप्स होती हैं है टोटल ट्वेंटी फोर होती हैं लेकिन पेयर्स में इनको ट्वेल्व बोला जाता है तो ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का और हम लोग आज ये सारी चीजें ये सारी बातें ये जितनी भी बोन है जितने भी टाइप्स की बोन है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन द फेशियल रीजन यानी ये जो कितनी बोन होती है, 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 है. है पेयर में थ्री होती, होती है टोटल सिक्स होती है तो ये सारी एक एक बोन आज मैं आप लोगों को काउंट कराऊंगा टू हंड्रेड सिक्स बोन आपको काउंट करा दूंगा आज ठीक है तो यहां पर आंसर आप क्या लगाएंगे फोर्टीन तो जो जो स्टूडेंट डी आंसर लगा रहे उनका आंसर बिल्कुल ठीक है इसका मतलब वो इस टॉपिक को पहले से ही थोड़ा सा पढ़कर आए हैं और जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है उन्हें परेशान नहीं होना है आज की क्लास के बाद आप भी इन क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाएंगे थर्ड क्वेश्चन है वॉट अच्छा वॉट द लॉन्गेस्ट मिडल सेक्शन ऑफ ह्यूमरस कॉल्ड अच्छा देखिए हाथ में हड्डी होती है ये हैंड में तो इस तरफ होती है ह्यूमरस बोन होती है तो इसके इन्होंने पूछा है मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं क्वेश्चन यह है पहला है सॉफ्ट दूसरा है गर्डल ज्वाइंट कार्पल तो देखिए जो कार्पल्स होती हैं वो तो यहाँ पे मिलती हैं रिस्ट में मिलती हैं ज्वाइंट्स बॉडी में बहुत सारी जगह मिलते हैं जैसे कंधे में ही बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है और गर्डल गर्डल में आप लोगों को बताऊंगा गर्डल क्या होता है पैल्विक गर्डल ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये ह्यूमरस बोन होती है जो यहाँ पर हमें मिलती है इसको हम बोलेंगे कि इसके बीच में होता है सॉफ्ट तो मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने ए आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है और यह है हमारा सॉल्यूशन जो कि मैं आप लोगों को अब क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं ठीक है डोंट वरी तो चलिए आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम की सेकेंड क्लास हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो है बोन्स के बेसिक कार्टिलेज के बेसिक और स्केलेटल के फंक्शन और स्केलेटल के बेसिक पढ़े थे लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग 206 बोन्स कौन सी बोन पर होती है और उसकी काउंटिंग कितनी होती है ये सब सीखने वाले हैं ठीक है तो मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट दिया है आप यहां पर देख सकते हैं देखिए पूरा चार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती है 80 अपेंडिकुलर में वन ट्वेंटी सिक्स होती हैं उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देता हूँ स्कल में ट्वेंटी नाइन बोन होती हैं रिप्स टोटल ट्वेंटी फ़ोर होती हैं लेकिन पेयर में ट्वेल्व होती हैं वटे जो होती हैं वटे कॉलम में ट्वेंटी सिक्स बोन होती हैं स्टर्नम ठीक है स्टर्नम एक बोन होती है मैं आपको बताऊंगा गर्डल्स अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूं तो गर्डल्स सिक्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा और लिम्स लिम्स जो होती हैं वो वन ट्वेंटी होती हैं ठीक है थर्टी सैंड में थर्टी सैंड में ऐसी लेग्स के लिए भी थर्टी एक लेग्स में और थर्टी दूसरे लेग्स में तो ये सारी बोन्स मैं आप लोगों को काउंट कराने वाला हूँ पेक्ट्रल गर्डल जो होता है हमारा ये शोल्डर है ये भी काउंट कराऊंगा पैल्विक गर्डल इस जगह होता है जिस जगह हिप बोन होती हैं ठीक है फोर लिम्स सिक्सटी होती हैं थर्टी वन हैंड में थर्टी दूसरे हैंड में और हाइंड लिम्स जो कि पैर में होती हैं लेग्स में होती हैं सिक्सटी

एक इमेज लिया है और इस इमेज में देखिए जो रेड कलर से है ये सब एक्सियल स्केलेटन में आने वाला है एक्सियल में और जो ये ब्लू कलर से दिख रहा है ये आप लोगों का आएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में इतनी बात समझ आ रही है अब हमने इसको अलग कर दिया है यहां पर एक्सियल और यहां ब्लू वाले को इधर आ जाते हैं हम लोग ये जो ब्लू से दिख रहा है इसको हमने अलग कर दिया है अपेंडिकुलर स्केलेटन में तो इस फिगर से आप लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है तो चलिए एक एनिमेशन हम यहां पर देखते हैं मैं हट जाता हूं बोर्ड से और आप एनिमेशन देख लेंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे एनिमेशन को ये स्कल की ट्वेंटी नाइन बोन्स बताएगा जिसमें क्रेनियल एट है फेशियल फोर्टीन है और एसोसिएट बोन में सिक्स ईयर की बोन है इन्होंने बताया है अब देखिए किस तरीके से इन्होंने क्रेनियल बोन्स को अलग अलग करके दिखाया है और ये बताया है कि क्रेनियल बोन जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फेशियल और एसोसिएटेड बोन इन्होंने ट्वेंटी वन दिखाई हैं, जिसमें फेशियल बोन फोर्टीन है और एसोसिएटेड बोन में सिक्स बोन जो है वो कहाँ की हैं? ईयर की है और एक हायर्ड बोन है ठीक है तो कैसा लगा प्यारे बच्चों आप लोगों को ये एनिमेशन मुझे तो बहुत प्यारा लगा आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि एनिमेशन कैसा लगा आप लोगों को ठीक है अब हम इन बोन्स के बारे में आइए एक एक करके जानते हैं ठीक है अभी तो आपने एनिमेशन में सारा देखा अब हम इन बोन्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं तो ये जो क्रेनियल बोन होती हैं ये टोटल एट होती हैं और मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है कि ये जो क्रेनियल बोन होती है नंबर्स में कितनी होती है एट लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को चाहता हूं उससे भी आगे जाके कुछ और पढ़ाना और भी एक्स्ट्रा मैं आपको क्रेनियल में भी सारी बोन्स यहां पर काउंट करा दूंगा सारी बोन्स काउंट करा दूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो जितने पर बाल होते हैं ये क्रेनियल के अंतर्गत आता है उसी के अंडर आता है और ये जो माथा होता है है ना ये आता है फ्रंटल तो ये जो फोरहेड होता है ये फ्रंटल बोन होती है ठीक है ये आँख के पास इधर जो होती है इस बोन को हम क्या कहते हैं फ्रंटल बोन हो गई इस बोन को हम क्या बोलते हैं इस बोन को हम एथेमोइड बोन बोलते हैं इतना समझ में आ रहा है एथमॉइड बोन बोलते हैं उसके बाद यहां पर जो थोड़ा सा इधर आता है ये बोन हो गई आपकी आप देख सकते हैं इस फिगर में अभी मैं इसे रोटेट करके भी आप लोगों को बताऊंगा सिफ्नॉइड बोन बोलते हैं उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं आप ऑसीपिटल बोन देखिएगा यह देखिएगा ऑसीपिटल बोन ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है यह कौन सी है ऑक्सीपिटल बोन है आपको दिख रही है और ये वाली जो बोन होती है ये वाली यह वाली जो होती है टेम्पोरल होती है और यह वाली बोन जो होती है यह बोन होती है आप लोगों की बोन ठीक है इतना समझ में आ गया पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल यहां पर है सिफनॉइड और इधर है आपकी बोन यह बोन है फ्रंटल बोन और यह है कितनी इथेमोड बोन तो टोटल बोन कितनी हो गई कार्नियल में आप देख सकते हैं बड़े आराम से आप इनकी एट बोन याद कर सकते हैं टोटल कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन होती हैं एट होती हैं मेरे प्यारे बच्चों कितनी एट होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली बोन दो होती हैं ठीक है आपको याद रखना है टेम्पोरल जो होती है वो कितनी होती हैं दो होती हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अलावा बताइए और दो कौन सी होती हैं पेराइटल बोन दो होती हैं बिल्कुल पैराइटल बोन दो होती हैं बाकी की सारी बोन कितनी होती हैं वन 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 और वन इतना समझ में आया तो सिंपल सा है आप लोगों को अगर इसका याद रखना है तो मैं आपको एक यहां पर एक लॉजिक बताता हूं एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोग ध्यान रखना जब भी किसी कंपनी में या सरकार में या कोई कहीं भी जॉब करता है तो जो टॉप में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी जॉब सेफ होती है ऐसे याद रखना सेफ की स्पेलिंग थोड़ी सी हमने ए इसमें से निकाल दिया है तो ये ट्रिक याद रखने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है तो टी से टेम्परल ओ से ऑसिपिटल पी से क्या बनेगा पेराइटल, पेराइटल, एस से क्या बनेगा एस से बताइए जल्दी से कौन सी बोन बनेगी सिफनॉइड बनेगी एफ से फ्रंटल बनेगी और ई से कौन सी बनेगी इथेमोड बोन है ना एथमॉइड बोन बनेगी तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं बड़े ही ईजिली तरीके से बहुत आसान तरीके से आप इन बोन्स के नंबर्स भी याद रख सकते हैं और दो बोन जो होती हैं, बाकी सब वन होते हैं ये जो बड़ी बड़ी होती हैं, ये वाली आपको दिख रही है इसको मैं दूसरे तरफ से भी आप लोगों को दिखाता हूं ये तो यहां पर क्या होता है एक पैच होता है जिससे ये जुड़ी होती हैं और एक बोन इधर होती है एक बोन उसी तरीके से ये वाली बोन एक इस साइड होगी और एक इस साइड होती है क्लियर है बात आप लोगों को चलिए तो मैंने आप लोगों को यहां पर एट क्रेनियल बोन जो है वो काउंट करा दी है चलिए अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की देखते हैं ये है नेजल, नेजल कहां पर होती है ये हमारे नाक में इस तरफ नेजल फिर है वोमर वोमर एक सिंगल ये जो नाक की हड्डी होती है इस तरफ वोमर फिर क्या है जैगमेटिक है ना उसके बाद जैगमेटिक के बाद कौन सी है पेल्टाइन है ना पेल्टाइन है फिर कौन सी है मैंडिबल है ये जो जबड़ा होता है मैंडिबल इधर देखते हैं ये बोन लेक्रिमल ठीक है इतना समझ में आया लेक्रिमल और ये इन्फीरियर नेजल और लास्ट में है मैक्सिला तो अगर मैं आपको 14 बोन काउंट करने की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आप बड़े आराम से 14 बोन याद कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं सब बोन दो होती हैं सिवाय दो के ठीक है आप इसको दो दे सकते हैं टू 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 ठीक है लेकिन देखिए आप खुद देखिए खुद इसको महसूस करिए अपनी नोज को टच करके यहां पर देखिएगा ये बोन आपको कितनी दिख रही है वन तो ये जो वोमर होती है ये वाली ये सिर्फ वन होती है और ये जो होता है जिसको आप लोअर जॉ कहते हैं ये वाला ये नीचे जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है मैंडी ये भी सिंगल होता है इसके इन दोनों को आपको याद कर लेना है कि वोमेर एक होती है और मैंडिबल एक होती है बाकी की सारी के आगे, आगे आप क्या कर देंगे टू लिख देंगे बाकी की सब क्या है, मौजूद है तो आप देख सकते हैं और बड़ा सिंपल है याद रखने का वोमेर एक होती है और मैंडिबल एक होती है बाकी की सारी की सारी क्या होती है टू होती हैं और इनको आप काउंट करेंगे तो ये कितनी आती हैं फोर्टीन आती हैं तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कितनी बोन यहां पर काउंट करा दी है मैंने आपको एट क्रेनियल बोन और फोर्टीन फेसियल बोन यहां पर काउंट करा दिए तो एट और 14 को अगर हम ऐड करें तो कितना होता है 22 होता है यानी 22 हड्डियां हम यहां पर गिन चुके हैं ठीक चलिए अब हम कान की बात करते हैं ईयर की बात करते हैं तो कान के अंदर तीन हड्डियां पाई जाती हैं आप यहां पर देख सकते हैं एक बोन यहां पर है ठीक है ये वाली एक ये है और एक सबसे छोटी होगी यहां पर ठीक है क्या आपको ये क्लियर दिख रहा है देख सकते हैं हम्म, तो कान के अंदर एक बोन हो गई आपकी कौन सी मेलियस दूसरी कौन सी हो गई इनकस और तीसरी हो गई स्टेपेज इतनी बात समझ में आ रही है आइए इसको थोड़ा और देखते हैं जूम करके रोटेट करके तो यहां पर आप देख सकते हैं जोड़ देते हैं तो ट्वेंटी तो टू और सिक्स ट्वेंटी एट होती हैं जबकि स्कल में मैंने आपको अभी जब फ्लो चार्ट दिखाया था ट्वेंटी तो नाइन बोन्स दिखाई थी एक बोन काउंट करना और बाकी है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिडल ईयर जो होता है वो कंटेन करता है थ्री टीनी बोन्स यानी छोटी बोन उनके नाम क्या है ठीक है उनके नाम क्या है आप यहां पर देख सकते हैं मेलियस और इसका एक नाम और होता है हैमर। इंकस जिसका एक नाम और होता है इंकस का एनविल इसका एक नाम और होता है एनविल और फिर उसके बाद स्टेपिस स्टेपिस जो होती है ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है जिसका दूसरा नाम होता है स्ट्रीरप स्ट्रीरप दूसरा नाम क्या होता है स्टीरप तो इनके नाम है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप इज कान की सबसे छोटी हड्डी होती है इवन ह्यूमन बॉडी में भी सबसे छोटी बोन होती है तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आठ हो गई हमारी क्रेनियल फोर्टीन हो गई हमारी फेशियल और थ्री इंटू टू सिक्स अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो स्कल में अभी तक हम ट्वेंटी एट बोन्स ढूंढ चुके हैं जबकि स्कल में बोन कितनी होती है स्कल के अंदर बोन होती है ट्वेंटी नाइन तो एक बोन यहाँ पर बच रही है हमारी तो चलिए आइए उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो अब ये जो एक बोन बची है इस बोन का नाम होता है हाईड बोन इस बोन का नाम प्यारे बच्चों क्या होता है हाईोड ये जो आपने देखा होगा ये जो घोड़े होते हैं हॉर्स होते हैं उनके पैर की तरह उनके शू की तरह ये दिखती है हायोड बोन और कैसी होती है शेप में ये यू शेप में होती है चलिए कोई नहीं आप यहाँ पर पहले इसे फिगर में देखिए कहाँ पर मौजूद है हायोड तो ये जो हायोर्ड बोन है इसमें दो हॉर्न निकले हुए मतलब सिंग टाइप के निकले हुए ऐसे पीछे की तरफ भी निकले हुए होते हैं स्मॉलर हॉर्न भी होते हैं और लार्जर हॉर्न भी होते हैं ठीक है ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये यू शेप में दिखती है कैसी दिखती है मेरे प्यारे बच्चों ये यू शेप में दिखती है तो हायोर्ड बोन जो है वो यू शेप में होती है और हॉर्स शेप में भी होती है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे मैंने हॉर्न की बात की थी यहाँ पर

और ये जो फ्रंट से दिख रहे हैं आप लोगों को ये स्मॉलर होते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं इनका नाम क्या होता है ग्रेटर कॉर्नुआ और एक पेयर जो होता है वो स्मॉलर होता है इसको हम बोलते हैं लेसर कॉर्नुआ इनके नाम आप लोगों को याद रखने क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यही फायदा है आपने देखा कि हायोर्ड बॉर्न को हमने फ्रंट से देखा और फिर हमने जो है इसके और हॉर्न देखने के लिए हमने इसको रोटेट भी किया तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर आपको इमेज रोटेट करके भी दिखा पा रहा हूं एनिमेशन के साथ इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप साइंस को और अदर सब्जेक्ट को एनिमेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो एमबाइब वेब को जरूर डाउनलोड करें इतनी बात समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने ट्वेंटी नाइन बोन्स यहाँ पर काउंट कर ली हैं यानी स्कल कंप्लीट हो गया है एट हमने का क्रेनियल फोर्टीन हमारी फेशियल सिक्स हमारी ईयर की और एक ये थ्री इंटू सिक्स लिखेंगे तो ट्वेंटी नाइन बोन्स हमारी यहां पर कवर हो चुकी हैं ट्वेंटी नाइन बोन्स यहाँ पर क्या हो चुकी हैं कवर हो चुकी हैं स्कल की इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ठीक है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोन सिखाने के लिए एक ग्राफ दिया था जिसमें आप पूरा एक टेबल टाइप का दिया था एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया था जिसमें आप बहुत आराम से बोन्स को याद कर सकते थे तो हम लोग ट्वेंटी नाइन स्कल बोन यहां पर रीड कर चुके हैं पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं अब बताइए हमें क्या सीखना है ठीक है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं रिप्स की ट्वेल्व यानी ट्वेंटी फोर देखते हैं वर्टिब्रेड कॉरम की देखती हैं और स्टर्नम की एक बोन हम लोग देखते हैं ठीक है आइए आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं वर्टेबरल कॉलम की तो वर्टेबरल कॉलम में जब शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो 33 बोन्स होती हैं कितनी बोन्स होती हैं 33 थ्री वर्टेब्रे कॉलम में कितनी होती हैं 33 थ्री बोन्स होती हैं तो इनकी बात करते हैं सबके हमने यहां पर नाम लिख रखे हैं है ना और इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले अ ह्यूमन इज बॉर्न विद 33 33 थ्री वर्टेब्रे ठीक है बोन्स बट आफ्टर सम टाइम वे आपस में क्या हो जाती हैं फ्यूज हो जाती हैं और ये कितनी रह जाती हैं ये ट्वेंटी है। इतना ध्यान रखना है आपस में फ्यूज हो जाती है मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी फ्यूज हो जाती हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई ये जो मेरे प्यारे बच्चों की ये जो वर्टेबरल कॉलम होता है इसमें बोन्स के नंबर कितने होते हैं तो आप देखिए यहां पर मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा जो हमने थ्री डी एसिड लगाया उसमें भी दिखाऊंगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो सर्वाइकल होती हैं ये सेवन होती हैं देख रहे हैं आप थोरेसिक जो होती है ये ट्वेल्व होती हैं आप देख रहे हैं लंबर जो होती हैं वो पांच होती हैं मैं यहां लिख भी देता हूं सेवन ट्वेल्व फाइव उसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे सैक्रम सैक्रम जो होती है ये वन होती है सेक्रम कितनी होती है वन होते हैं और लास्ट में क्योंकि ये फ्यूज होके इकट्ठी हो जाती हैं है ना देखो थर्टी थ्री थी ट्वेंटी सिक्स हो गई आर्य बात समझ में तो कितनी सिक्स बोन्स यहाँ पर जो होती है वो कम हो जाती हैं और वो कहाँ पर एक हो जाती हैं सेकेरम में और फ्यूज होकर ये एक हो जाती हैं आर्य बात समझ में तो ये नंबर ऑफ बोन्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि जो सर्विकल होती हैं ये हो गई हमारी सेवन जो थोरेक्सिक होती हैं ये होती है हमारी ट्वेल्व जो लंबर होती हैं वो होती है हमारी फाइव सेकेरम फ्यूज होके बन जाती है वन उसी तरीके से कोक्सिक्स भी फ्यूज होकर बन जाती है वन इतना आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए ठीक है तो यह था हमारा वर्टेबरल कॉलम जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमने ट्वेंटी नाइन स्कल की देख ली हैं और अब ट्वेंटी सिक्स अब काउंट कर लिए तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कितनी बोन्स अभी तक हमने काउंट किए स्टार्टिंग में ये थर्टी थ्री होती है जब कोई बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट बनता है तो वो ट्वेंटी सिक्स रह जाती है थर्टी थ्री से कन्वर्ट होके तो अभी अगर मैं बात करूं तो आई थिंक हमने यहाँ 55 है उसमें अस्सी बोन होती है तो हम फिफ्टी तक पहुंच चुके हैं अभी हमारी कुछ बच रही है कितनी बच रही है मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कितनी बच रही है ट्वेंटी अभी और बच रही है जिसमें पेर में आपकी रिप्स हो गई और एक हो गया आपका एक क्या हो जाएगा तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा जाएगा और विश्वास करिए जो याद करने में मुश्किल है वो सिर्फ स्कल में ही है उसके बाद सारी बोन्स बहुत ईजिली यहां पर याद हो जाती हैं तो आइए हम यहां पर रिप्स की बात करते हैं अच्छा रिप्स से भी पहले एक हल्का सा याद करते हैं जैसे रिप्स तो हमें फिर भी 24 याद करनी है उससे भी इजी स्टर्नम के बारे में बात करते हैं ये एक ही होता है और आपको ये थ्री एसेट में यहाँ दिख रहा होगा देखिए बड़ा सिंपल सा है मैं स्टर्नम की स्पेलिंग को टच करूंगा यहाँ पर देख सकते हैं तो ये होता है स्टर्नम ठीक है और इस स्टर्नम से ही रिप्स क्या होती हैं जुड़ी होती हैं आर्टिकुलेट हो रही होती हैं ठीक है ठीके? तो आइए इसके बारे में जानते हैं एक बोन होती है ये फ्लैट बोन होती है और ब्रेस्ट बोन भी इसको बोला जाता है सिंगल फ्लैट बोन होती है द स्टर्नम इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में लॉन्ग फ्लैट बोन कौन होती है सबसे बड़ी तो आपका नाम स्टर्नम होगा लेकिन यही अगर ट्राइंगल में पूछेगा कि फ्लैट ट्राइंगुलर बोन कौन सी होती है तो उसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिलेगा स्कैपुला ठीक है और ये कहाँ होती है चेस्ट के सेंटर पार्ट में होती है इट कनेक्ट टू द रिप्स होती है, वो की से जो है जुड़ी होती हैं ठीक है ठीके? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को चलिए अब हम रिप्स की बात करते हैं तो आइए एक एनिमेशन देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये रिप्स के बारे में बता रहे हैं कि ये पूरा जो इन्होंने अलग से निकाल के दिखाया है ये केज है जिसमें स्टानम है रिप्स हैं थोरेसिक वट कॉलम है आप देख सकते हैं ट्वेल्व पेयर ऑफ रिप्स हैं ये यहां पर दिखा रहे हैं देखिए सेवन पेयर ऑफ आपको दिखाई जा रही है ये ट्रू रिप्स हैं थ्री पेयर जो है फॉल्स रिप्स हैं जो डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई हैं और जो पीछे की तरफ टू पेयर जुड़ी हुई है ये फ्लोटिंग रिप्स हैं इतना आपको एनिमेशन में देख के समझ में आया मजा आया इसीलिए मैं आप लोगों को जो ये रिप केज है ये एनिमेशन के साथ लेकर आया हूँ क्योंकि एम्बाइव में जब आप लोग एम एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह बोन्स याद करने में बहुत आसानी रहेगी आपने देखा कि स्कल की बोन को मैंने किस तरीके से एनिमेशन से आप लोगों को समझाया था ट्वेंटी नाइन बोन्स मैंने आपको एनिमेशन से समझा दी थी इतनी बात समझ आ रही है आइए फैक्ट देखते हैं रिप पर क्या फैक्ट्स हैं तो टोटल ये ट्वेंटी फोर होती हैं और पेयर में बात करें तो ट्वेल्व होती हैं फर्स्ट सेवन पेयर जो होते हैं उनको हम टू रिप्स कहते हैं उसके बाद फॉल्स रिप्स होती हैं जो डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती हैं आप यहाँ पर देख भी सकते हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात ये डायरेक्ट जुड़ी हैं लेकिन उसके बाद वन टू थ्री ये डायरेक्ट आर्टिकुलेट ना होकर इसकी हेल्प से हो रही हैं तो क्या लिखा है फॉल्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द द बट सेवन रिप द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज है ना हाईलिन कार्टिलेज के साथ ये जुड़ी हुई हैं और जो ये टू पेयर होती हैं लास्ट वाली ये होती हैं ये कनेक्ट ही नहीं होती हैं ये होती हैं फ्लूटिंग रिप्स आप यहां पर देख सकते हैं ये वाली टू में, इधर और इस तरफ से। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को है ना सिंपल आगे क्या लिखा है ये जो थोरेसिक वर्टेब्रे है ये अगर मैं थोरेसिक वर्टेब्रे ले लूं रिप्स ले लूं स्टर्नम ले लूं और इन सबको एक साथ ले लूं तो इसी को क्या बोला जाता है रिप केज तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बनाते हैं केज बनाते हैं आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी और एनिमेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आइए अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन में हम टोटल 80 बोन्स यहां पर काउंट कर चुके हैं अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन है द बोन ऑफ द डैश प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ब्रेन यानी ब्रेन एंड द ऑर्गन एज आईज ईयर एंड नोज तो आप बताइएगा कि आंसर क्या होगा वो आपको स्केलेटन बताना है जो हमारे ब्रेन को हमारी आईज को नोज को सुरक्षित रखता है तो आपने देखा है हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियल बोन में सेफ रहता है और फेशियल बोन में हमारी आँख और नाक सेफ रहती है तो अब क्रेनियल बोन और फेशियल बोन किसके अंदर आते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे तो आप आंसर क्या लगाएंगे स्कल लगाएंगे कि हिप गर्डल लगाएंगे मैरो लगाएंगे कि लिम्स लगाएंगे बताइए क्या आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग ए ए इज़ द राइट आंसर और जिन बच्चों का ए आंसर आ रहा है उन लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है आइए इसको सबमिट करते हैं और देख लीजिए कि मैंने आप लोगों को एक्सियल बोन कितनी आसानी से याद करा दी है कितनी इजिली तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या किया है उनको याद करा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सॉल्यूशन मेंशन है आगे देखते हैं द फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिप्स आर कॉल्ड यानी जो सेवन पेयर रिप्स होती है आप उनको क्या बोलेंगे फर्स्ट में तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सेवन थ्री टू याद आ रहा है ट्रू फॉल्स फ्लोटेड तो यहाँ पर ट्रू है स्टर्नम है फॉल्स है फ्लोटिंग है तो ये कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रू रिप्स होती हैं तो जो बच्चे ए आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है स्टार्टिंग के सेवन पेयर ट्रू रिप्स होते हैं देन उसके बाद थ्री पेयर्स जो होते हैं वो फॉल्स रिप्स होते हैं और उसके बाद टू पेयर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं क्लियर और टोटल ट्वेल्व पेयर रिप्स होती हैं चलिए आगे चलते हैं द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड ऑफ डैश यानी ये जो वर्टेब्रे कॉलम है आप लोगों को ये बताना है कि वर्टेब्रल कॉलम जो है इसमें स्टार्टिंग में कितनी बोन्स होती हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी थ्री क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड तो स्टार्टिंग में ये थर्टी थ्री से ही बनता है बाद में कुछ बोन्स यहाँ पर सैक्रम वगैरह बोन्स जो है फ्यूज होकर सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो स्टार्टिंग में कितनी बोन होती हैं थर्टी थ्री बोन्स होती हैं आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी तो ये सॉल्यूशन है हमारा द बैक बोन इज द लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दिस नोन वर्टेबरल कॉलम सारी बातें हम यहाँ पर आप लोगों को बता चुके हैं ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने एक्सियल स्केलेटन यहां पर कवर कर लिया है अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कवर करने वाले हैं तो हम लोग 80 हड्डियां गिन चुके हैं तो 206 में से 80 बोन्स को माइनस करो और मुझे बताओ कि अब आप कितनी बोन पढ़ने वाले हैं तो अब आप लोग 126 बोन और काउंट करने वाले हैं। और विश्वास करिए बहुत आसान है अब काउंट करना तो आइए इधर आते हैं तो इधर बोर्ड पे देखिए 126 में सिक्स जो होती हैं वो गर्डल्स होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा किस किस जगह होती हैं और 120 ट्वेंटी होती हैं जिसमें फोर लिम्स हमारे हैंड में होती है और हाइड लिम्स हमारे लेग्स में होती हैं ठीक है ठीके? तो समझिएगा अगर मैंने एक हाथ की हड्डियां थर्टी काउंट कर ली तो दूसरे हैंड में भी थर्टी सिक्सटी हो गई फोर लिम्स उसी तरीके से एक पैर में मैंने थर्टी बोन्स काउंट कर ली यानी एक लेग में थर्टी तो दूसरे लेग में थर्टी तो एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा तो इनको याद करना बहुत सिंपल है ठीक है अच्छा गर्डल्स जो होती हैं यहां पर कंधे में एक हड्डी पाई जाती है स्कैपला केलेबिकल ये सारी हड्डियां भी हम अभी पढ़ेंगे सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और विद एनिमेशन पढ़ने वाले हैं ठीक है बात समझ में आ रही है हम लोग कैसे पढ़ेंगे विद एनिमेशन पढ़ेंगे तो आ जाइए सबसे पहले हाथ से शुरू हाँ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हैंड एक आदमी का जो हाथ है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो अभी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है आप चाहे तो बोन्स को इस फ्लो चार्ट से याद कर सकते हैं मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा और एक एक करके सारी बोन्स काउंट भी कराऊंगा तो अगर मैं आर्म की बात करूं तो एक बोन होती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं उसके बाद हाथ के नीचे होता है फोर आर्म उसकी बात करूं तो इसमें दो हड्डियां होती हैं एक रेडियस होती है है ना एक रेडियस हो गई है, एक उलना हो गई दो हड्डियाँ ये हो गई आगे अगर हम हाथ में और नीचे जाएं हैंड की बात करें जिसे हम पंजा कहते हैं हिंदी में हैंड की बात करें तो इसमें रिस्ट होता है इसमें कार्पल्स होती हैं आठ कार्पल्स एट होती हैं मेटा फाइव होती हैं जो मैं आपको काउंट करा दूंगा और उसके बाद फ्लेंजेस फ्लेंजेस जो होती हैं जो फिंगर्स होती हैं उनसे बना है ये फोटीन होती हैं फ्लेंजेस तो ये सारी बोन में आप लोगों को एक एक करके यहां पर काउंट करा दूंगा डोंट वरी परेशान मत हो गया आप लोग तो ये हमारी कितनी बोन हो गई और और तो यहां हो गई हमारी उसके बाद एट थ्री और एट इलेवन इलेवन और फाइव सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फोर्टीन थर्टी यानी अगर एक हैंड में थर्टी हो गई हैं तो दूसरे हैंड में भी टू और ये टोटल कितनी हो जाएंगी ये टोटल सिक्सटी हो जाएंगी ठीक है यानी हमारे जो हैंड हैं उनकी बोन्स हम अब काउंट कर लेंगे बड़े आराम से आइए इन्हें काउंट करते हैं देखते हैं ठीक तो यहां पर आप लोगों को मैंने एक थ्री इमेज दी है जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था आम तो आम में ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है आप देख सकते हैं ये वाली इतनी हमारी ह्यूमरस बोन होती है इसके नीचे यहां पर एक ज्वाइंट हो गया ये वाली हड्डी हो गई रेडियस आप इसे टच करके देखिएगा रेडियस है ना आपको दिख रही है यहां पर इसको हम और रोटेट करते हैं जिससे और क्लियर दिखे हमें तो और पास से देखिए यह हो गई हमारी रेडियस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा तो एक हड्डी हमारी यहां पर हो गई रेडियस और दूसरी होती है उलना दूसरी क्या होती है होती है इतनी समझ में आ रही है थ्री डी इमेज से हमने देखा और आगे हमारी ये उंगलियों की उंगलियां हैं, जिसमें है, इन्हें हम यहाँ पर गिनेंगे, और ये हमारी हो गई, देखिए उल्ला लिख के आ रहा है आपको पता चल रहा है ये बोन कहां पर होती है आप देख सकते हैं ठीक है क्लियर है इतनी बात क्लियर है आइए तो अभी हम आगे एक एनिमेशन देखते हैं यहां पर देखिए एनिमेशन देखिए ये एक पूरा आर्म है इसका पूरा हैंड है यहां पर एनिमेशन में आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर ये ऊपर ये जो आपको क्लेविकल बोन दिखाई है जिसको कोलर बोन बोलते हैं दूसरी स्केपला दिखाई है जिसको शोल्डर बोन बोलते हैं फिर एक जॉइंट दिखाया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जॉइंट से ही स्कैपुला में बोन जुड़ती है हमारी ह्यूमरस ह्यूमरस के नीचे दो बोन आप देख सकते हैं जिसमें एक उल्ना है और एक रेडियस है ये ह्यूमरस दिखा रहा है वॉयलेट कलर से और ग्रीन कलर से ये उल्ना और रेडियस को दिखा रहा है आप देख सकते हैं एनिमेशन में और इस जॉइंट के बारे में दिखा रहा है देन यहाँ पर देखिए कॉप्सुकल्स दिखा रहा है जो रिस्ट में होती हैं एट कॉप्सुकल्स होती हैं आप कलर देख सकते हैं ब्लू कलर से इसके बाद ये पाम की बोन दिखा रहा है मेटा कॉप्सुकल्स दिखा रहा है फाइव और फिंगर्स बोन फ्लेंजेस दिखा रहा है फोर्टीन देखिए सिंपल सा लॉजिक है आपने एनिमेशन देख लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर होती है रिस्ट यानी कॉप्स कॉप्सल्स होती है ये कितनी होती है कॉप्सल्स अभी हमने आप लोगों को बताया था कितनी होती हैं एट होती हैं फिर इस तरफ ये जो होती हैं अगर आप इन्हें काउंट करेंगे अपने हाथ में वन टू थ्री फोर फाइव होती हैं ठीक है तो ये मेटा कॉप्सिकल्स होती हैं उसके बाद फिंगर्स की बात करें तो हमारी ये जो फिंगर्स होती हैं इन फिंगर्स में तीन जॉइंट होते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ये हो गई लेकिन जो हमारा थम होता है इसमें टू ही होती हैं तो फोर्टीन ये हो गई तो कितना सिंपल है याद करना आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने आप लोगों को गर्डल्स में पेक्टोरल गर्डल्स में मैंने आपको बताया था ना टोटल सिक्स बोन होती हैं तो एक हो गई कंधे में इस तरफ होती है आप एनिमेशन में देखिएगा एक वन साइड दूसरी अदर साइड होती है तो दो हो गई और उसी तरीके से क्लेविकलर बोन भी दो होती है जिनको कॉलर बोन कहते हैं एक इस साइड होती है एक इस साइड होती है तो अगर मैं बोलूँ पेक्टोरल में कितनी गर्डल्स में हमें टोटल सिक्स पढ़नी थी तो सिक्स में चार हमने फोर यहीं पे पढ़ ली अब बची हमारी टू जो कि हम नीचे जब आएंगे तो पेल्विक गर्डल में उन दो को भी हम यहाँ पर पड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 30 प्लस थर्टी सिक्सटी बोन हमने हाथ की यहाँ पर हैंड की काउंट कर ली है पूरी ठीक है फोर लिम की काउंट कर ली है और फोर बोन हमने और काउंट कर लिए हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्केपला को एक बार और देख सकते हैं देखिए मैं यहाँ प्ले करता हूँ और उसे रोकूंगा इस एनिमेशन को आप एक बार और देखिए देखिए यहां पर आप देख सकते हैं तो ये आप मैंने एनिमेशन को यहां पर रोका है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए तो ये वाली जो बोन आपको दिख रही है ये वाली तो ये वाली बोन जो होती है ये स्कैपला होती है तो ये एक तरफ हो गई राइट हैंड पर भी हो जाएगी और लेफ्ट साइड में भी हो जाएगी तो टू ये हो गई इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर ये वाली कोलर बोन हो गई जो एक तरफ होगी और दूसरी साइड पे भी होगी कोलर बोन तो ये भी टू हो गई तो हमने टोटल बोन कितनी कर ली है फोर काउंट कर ली है इतनी बात सभी को समझ में आ रही है ह्यूमरस पर पर होती है? उल्ना कहां पर होती है है रेडियस कहां पर होती है ये सारी बोन्स आप लोगों को क्लियर है इनकी लोकेशन कहाँ होती है और इनके नंबर्स कितने होते हैं ह्यूमरस एक होती है रेडियस एक होती है उलना एक होती है स्केपला टू हो गई दिस साइड एंड दिस साइड एंड कोलर बोन भी दिस साइड वन एंड दिस साइड टू उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिस्ट में कॉप्सुकल्स होती हैं जो कि एट होती हैं देन यहां पर मेटा कॉप्सुकल्स होती है जो फाइव होती हैं है, है, और फिंगर्स में टोटल फोर्टीन होती है सिंपल हमने सारी बोन्स यहाँ पर काउंट कर ली हैं चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अब मैं आपको ह्यूमन के एक लेग का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा हूं आप एक लेग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ आप देख सकते हैं तो थाई में देखिए यहाँ पर क्या है थाई में एक लेग थाई की बात करूँ तो सिर्फ एक बोन है जो कि फीमर है नी नी में एक बोन है पटेला जिसको कहते हैं ये भी एक बोन है इनकी मैं लोकेशन भी आपको बताऊँगा कहाँ पर है फिर है टिबिया आप देख सकते हैं ये भी एक बोन है फिबुला है ना देख लीजिए आप फिबुला तो फिबुला भी एक बोन है आप देख सकते हैं उसके बाद अगर मैं पैर की बात करूं फुट की है ना तो एंकल जिसको एडी कहते हैं होती है, सेवन, मेटा होती है, फाइव और यहाँ पर हाथ की तरह है। जैसे हैंड में 14 में आपको काउंट करती तीन -तीन और जो थम होता है अंगूठा होता है उसमें दो होती हैं ठीक है ठीके? तो ये पूरा मैप है जो आप देख पा रहे हैं जो मैंने एक आपको बताया है तो यहाँ पर थर्टी बोन्स है एक लेग में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी टोटल मेरे प्यारे बच्चों सिक्सटी बोन्स हो जाएंगी कितनी बोन हो जाएंगी सिक्सटी बोन्स हो जाएंगी ठीक आइए अब इनको और बारीकी से देखते हैं तो यहां पर हम आते हैं तो ये फीमर जो है वो थाई में होती है तो ये वन है मैंने आप लोगों को बताई थी ये वन मैंने आप लोगों को बताई थी और मैंने आपको बताई थी पटेला तो ये यह यहां पर होती है नी में आप देख सकते हैं और ये जो पतली वाली आपको एक बोन दिख रही है इस बोन के पीछे उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूबिला ये भी एक होती है नंबर में ठीक है और ये जो थोड़ी सी मोटी सी आपको बोन दिख रही है टीविया ये भी कितनी होती है नंबर्स में एक होती है तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी टोटल जो बोन होती हैं वो थर्टी होती हैं वन लेग में और थर्टी से टू का मल्टीप्लाई करके सिक्सटी होती हैं तो अभी हमने कितनी काउंट कर ली है वन टू थ्री फोर हमने काउंट कर लिए है ट्वेंटी सिक्स काउंट करना यहाँ पर बाकी है तो देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ जो बोन्स दिखाई हैं वो एक मैप से दिखाई पूरा एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया थ्री डी एसेट से मैंने आप लोगों को बताई बाकी की ये बोन जो नीचे की 26 बोन है मैं चाहता हूँ कि ये बोन आप लोग एनिमेशन से देखें ताकि आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो और इजिली समझ में आए तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं आइए देखते हैं लिम्स को हम एनिमेशन में देखते हैं तो देखिए एक लेग है अभी ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये फीमर है और ये जो जुड़ी है ये पैल्विक गर्डल्स के साथ जुड़ी है और इस सॉकेट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ठीक है आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में फीमर दिखा रहा है इस वक्त देन अब इसने बाकी की दो बोन दिखाई है टीबिया और फ्यूबिला दिखाई है पटेला दिखाई उसके बाद अब हम इसके फुट पर आते हैं आप देखिए है एनिमेशन में एंकल बोन्स टार्स ये सेवन दिखा रहे हैं जिसको इन्होंने ब्लू किया है ये सेवन होती हैं टार्सस है ना अब मेटा टार्सस देखिए आपको ब्लू कलर से फाइव दिख रही होंगी और ग्रीन कलर से आपको फ्लेंजेस बोन्स दिख रही होंगी तो उम्मीद करता हूं ये एनिमेशन देखकर आपको ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था फुट का ये समझ में आया होगा कि टार्सल्स कहां है मेटा टार्सल्स कितनी है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा इसीलिए ये एनिमेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया था ठीक है इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दू ये एनिमेशन मैंने दोबारा इसलिए चलाया है आप यहां पर देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से आ रही हैं ये ही है पैल्विक गर्डल ये दो हैं वन इस साइड एंड अनदर अदर साइड आपने देखा इसको तो टोटल हमने यहाँ पर बोन्स जो हैं काउंट कर लिए ईच पैल्विक गर्डल्स के अंदर स्कूचर से जो है तीन बोन अटैच होती हैं है ना सूचर से है ना तीन बोन और होती हैं जो हर एक पैल्विक गर्डल के अंदर होती हैं कि जो कि सूचर्स के द्वारा कनेक्टेड होती है लेकिन इनको काउंट एक ही किया जाता है तो पैल्विक गर्डल में दो बोन आ जाती हैं तो अब आप लोगों की 126 बोन यहां पर काउंट हो चुकी हैं ठीक है ठीके? 126 बोन आप लोगों की काउंट हो गई हैं बस अब हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो इतना सबको समझ में आया किसी को कोई डाउट और एनिमेशन देखकर थ्री डी एसिड देखकर समझना आप लोगों को कितना ईजी हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हुआ है और काफी इजली वे में आपने सारी बोन्स 126 प्लस 80 यानी इक्वल टू 206 बोन्स को बहुत ही इजीली सीख लिया है तो क्वेश्चन है द टू बोन्स ऑफ द लोअर आर्म लोअर आर्म यानी फोर आर्म को कहते हैं ऑफ फोर लिम तो बताइए कौन सी होती हैं टीबिया हमारी पैर में हो गई लेग्स में हो गई ठीक है फीमर हमारी लेग में हो गई और ह्यूमरस ह्यूमरस हमारी फोर आर्म में नहीं होती आर्म में होती है तो हमारा आंसर सी होगा तो जो हमारी फोर आर्म होती है उसमें मैंने आप लोगों को ओलना और रेडियस दो बोन्स के बारे में बताया था तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसका आंसर अब आप लोग कितने इजली तरीके से दे पा रहे हैं तो यहां पर इसको सबमिट करते हैं और जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया है सॉल्यूशन यहां पर मेंशन है पूरा सॉल्यूशन यहां पर मेंशन है जो भी बोन मैंने आप लोगों को काउंट कराई है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी हैज़ मोर देन हाफ ऑफ बोन ऑफ द बॉडी यानी 206 हैं उनका अगर मैं हाफ़ करूं 206 का अगर मैं हाफ़ करूं तो अप्रोक्सिमेटली 103 की बात हो रही है तो आपको बताना है कि 103 के आसपास किस में बोन्स मिलेंगी तो अगर मैं स्कल की बात करूं तो इसमें 29 नाइन गर्डल्स हमारी सिक्स होती हैं और वर्टेब्रे कॉलम में हमारी बोन्स जो होती हैं वो 26 होती हैं लेकिन जो लिम्स होते हैं 60 प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी यानी वन ट्वेंटी जो है वो हाफ ऑफ टू हंड्रेड सिक्स के आसपास जा रही है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर पर डी होगा तो जितने बच्चों ने यहां पर डी आंसर सेलेक्ट किया है उन सब के आंसर बिल्कुल ठीक है ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास ये यहीं पर फिनिश हो गई है लेकिन अभी हम क्लास की एक समरी देखते हैं कि हमने आखिर सीखा कितना है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मसल्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ कर आना है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मसल्स जॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं तो चलिए हम देखते हैं मैं बोर्ड से हर, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हट जाता हूँ और आप देखिए हमने आज क्या पढ़ा हमने कार्नियल बोन पढ़ी जो कि टोटल एट होती हैं ठीक है ठीके? और हमारे ब्रेन को क्या करती हैं सेफ रखती हैं प्रोटेक्ट करती हैं सुरक्षित रखती हैं हमने फेशियल बोन पढ़ी जो कि नंबर्स में फोटीन होती हैं उसके बाद हमने कान की हड्डिया पढ़ी बोन्स ऑफ ईयर्स पढ़ी जो कि मिडल ईयर में होते हैं हमने उनके नाम पढ़े मेलस इंकस स्टेपेज़ फिर हमने ये पढ़ा कि जो स्टेपेज़ होती है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है देन हमने हाईर्ड बोन पढ़ी हाईोर्ड बोन जो होती है थ्रोट में होती है यू शेप में होती है या फिर घोड़े के पैर की तरीके से होती है देन हमने वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा वर्टेब्रल कॉलम में हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में थर्टी थ्री वर्टेब्रे होती हैं लेकिन फिर आगे ये फ्यूज़ होकर कितनी हो जाती हैं आपस में मिलकर ट्वेंटी सिक्स होते हैं इनके नंबर आप देख सकते होगा जो होती वो कितनी होती हैं ट्वेल्व होती हैं आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे देखिए लंबर फाइव होती हैं स्केरम वन होता है तो ये सारी हमने पढ़ी जो कि फ्यूज बन के बनती हैं कोकसिक्स जो होती है वो वन होती हैं ठीक है इतना हमने पढ़ा और देखते हैं हमने समरी में आज हमने और क्या क्या यहाँ पर स्टडी की है देन हमने यहाँ पे स्टर्नम के बारे में पढ़ा जो कि रिप केज में मौजूद होता है स्टर्नम और ये सबसे बड़ी लॉन्ग फ्लैट बोन होती है ठीक है और ये कनेक्ट कर होती है कार्टिलेज के द्वारा रिप्स को कनेक्ट करती है और रिप केज का निर्माण करती है इसके बाद हमने देखा जो रिप्स होती हैं रिप्स एक ह्यूमन में पेयर में ट्वेल रिप्स होती है लेकिन नंबर में ट्वेंटी होती हैं जिसमें स्टार्टिंग के सेवन पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिप्स होते हैं उसके बाद नेक्स्ट थ्री जो होते हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के रिप्स से ही जुड़े होते हैं वो फॉल्स रिप्स होती हैं और लास्ट में टू पेयर रिप्स जो होती हैं जो कि वटेबरकॉम से कनेक्टेड होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिप्स ये हमने पढ़ा इसके अलावा देखते हैं हमने और क्या पढ़ा आज की क्लास में फिर हमने पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटन तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने पढ़ा कि टोटल 126 बोन होती हैं जिसमें 120 ट्वेंटी लिम्स में होती हैं और सिक्स गर्डल में होती हैं इसमें हमने पढ़ा कि स्केपला जो होती है वो लार्जर फ्लैट ट्रैंगुलर बोन होती है जब वो ट्रैंगुलर बोलेगा फिर क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ा जिसको हम कोलर बोन भी कहते हैं थाइम यानी जांग के अंदर जो हड्डी फीमर होती है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रांग और सबसे लंबी और सबसे बड़ी बॉड बोन होती है आज हमने ये सारी बातें यहां पर पढ़ी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को बोन का बेसिक कार्टिलेज का बेसिक स्केलेटन के फंक्शन स्केलेटन का बेसिक पढ़ाया आज की क्लास में मैंने आपको 206, हंड्रेड सिक्स दो हड्डियां काउंट कराई हैं। कौन सी बोन किस जगह होती है और उस बोन की प्रॉपर्टी क्या होती है उस बोन का फंक्शन क्या होता है यह मैंने पूरा पढ़ाया अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मसल्स पढ़ेंगे ज्वाइंट्स पढ़ेंगे और जो डिसऑर्डर होते हैं स्केलेटन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर होते हैं गाउट जैसी बीमारियां होती हैं इनके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं तो नेक्स्ट क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को पढ़ के आना है अब स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है तो आंसर क्या है क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट तो क्वेश्चन है कि इनमें से देख के बताइए कौन सा ज्वाइंट नहीं है तो यहां पर चार ऑप्शन है आप देख सकते हैं यहां पर कमेंट में किसी को अभी आंसर नहीं देना है जो भी आंसर आप देंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे तो आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होती है मिलते हैं कल जय हिंद अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी Keep imbibing. We believe in you.